कोरोना मरीजों के लिए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने माधव सेवा केंद्र कोविड सेंटर को 25 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर भेंट किए। इस दौरान बीडी शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में माधव सेवा केंद्र सार्थक सिद्ध होगा। जिन लोगों को कोरोना का बहुत अधिक संक्रमण नहीं है और घर में पर्याप्त जगह नहीं है, ऐसे लोगों के लिए माधव सेवा केंद्र कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। यहां उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे, आयुष के डॉक्टर भी यहां आएंगे। इस मौके पर विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर पूरे देश में सेवा ही संगठन अभियान 2 शुरू किया है। इसी के अंतर्गत भोपाल इकाई द्वारा माधव सेवा केंद्र कोविड केयर सेंटर स्थापित हुआ है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए अनेक सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों का सहयोग मिला। शर्मा ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में लोगों की सेवा के लिए समाज के साथ मिलकर पार्टी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं प्रदेश सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। जल्द ही मध्य प्रदेश जीतेगा, कोरोना हारेगा। इसके लिए हमें मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए संक्रमण की चेन को तोड़ना होगा। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सरकार के सहयोग के लिए बीडी शर्मा का आभार जताया। प्रशासन में ये कोविड केयर सेंटर बना है और मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि पूरे प्रदेश में सरकार का सहयोग करने के लिए, क्योंकि इसका संचालन में सरकार के हमारा उपक्रम भी रहेगा, परंतु इस तरह के पूरे कोविड केयर सेंटर का निर्माण करना, उसको विभिन्न संस्थाओं से जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में किया और केवल शहरों में नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। शायद देश में पहला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने लगभग 2.5 लाख बिस्तरों का क्वारंटीन सेंटर बनाया है, क्योंकि इस लहर में हमें एक बात देखने को मिली है कि इसका विस्तार कहीं ना कहीं गाँव तक भी फैला है, तो इसलिए गाँव में भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। आज ये भोपाल में एक बड़ा कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हुआ, लगभग 1000 की कैपेसिटी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।